गुड इवनिंग गाइस, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी छत पे किसी ने ना पर्शियन कैट फेंक दिया मरने के लिए, और पोनी उसको मार रहा था। वो तो मेरा भाई पहुँच गया तो उसने बॉक्स में बंद करके नीचे लेकर आया। पर्शियन कैट बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन में था। सबसे पहले तो हमने उसको खाना खिलाया, पता नहीं कितने दिनों से भूखा था ये बेचारा। बदतमीज़, गंदे, अभी घटिया पता लोग नहीं ऐसी हरकतें करते ये हैं। भूखा है वो खुश वो रहेंगे मारने के कभी? ताक में वो भी था। खुश नहीं रहेंगे। इसकी भी हाँ बदबू लगेगी और हमारी भी बदबू लगेगी। मैं तो बोलती हूँ हमेशा हमेशा के लिए ना फायर में जलते रहेंगे। इतना जुल्म करना अच्छी बात है? जब तुम पाल ही नहीं सकते, तुम खरीदते क्यों हो? और सबसे बड़े तो वो जो ब्रीडर बनते हैं, उनका तो मैं मुंह नहीं छूलूँ। बेशरम ब्रीडिंग करवाते हैं और उसके बाद में इनको पैदा करते हैं और मरने के लिए छोड़ देते हैं। फिर हमने इसको नहलाया बेचारे को। इसको पस, ब्लड, फंगस सब लगी हुई है और पूरी बॉडी में। इसके कान देखो। गंदे लोग होते देखियो हैं। कितना पस इसके, तो कब से कान सड़ रहे हैं। ये तो कटवाने का होश रहा, इसके हेयर, इसका स्टेलाइजेशन, इसका ईयर फिर इन्फेक्शन, हमने इसको भूखा डिसाइड किया कि मारने का हमें तो होश डॉक्टर के रहा। पास लेकर जाएंगे। लेकर तो मैं उसको लेकर पहुंची डॉग एंड कैट क्लिनिक। फिर वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। बहुत पस हो रहा, तो वहाँ जाकर मुझे पता स्मेल भी आ रही है चला बहुत ज़्यादा। इसको फंगस लग गई है। मुझे इसको अपनी बाकी कैट से अलग रखना है, तो मैंने इसको नीचे रखा हुआ है ग्राउंड फ्लोर पर, क्योंकि मुझे और कैट को भी फंगस लग सकती है। और जब इसकी घर में एंट्री हुई थी ना, अब देखो मैं सारी अगर कैट्स इसको किसी को परेशान भी हो दे गई दी तो थी। बहुत रखेगा इतना कोई भी सन्नाटा, नहीं रखेगा अभी ना, सन्नाटा हुआ है मेरे घर में, वापस ही लौटा देंगे, क्योंकि घर से निकाल कोई देंगे हम न्यू दोनों कैट इस टाइप से आती है तो बाकी कैट्स बहुत आपके स्ट्रेस और डिप्रेशन पास में तीन चली आगे जाती का हैं। अब आपके पास तीन। और अभी तो बेचारे मैं की तो लेकर क्या आई हूँ। गलती थी जो उसको ये सबसे सजा पहले तो मुझे मिली इसका कि उसको इतने स्टेलाइजर दिनों बनाना, तक सफर करना पड़ा। ये बदतमीज इसकी लिप्स लोग, भी फट गई है, तो घटिया लोग, ये ब्लड निकल रहा था इसके लिप्स से। मेरा बस चले ना तो बस बहुत बड़ी सजा दी है मैं। खैर ये देखो तो कितना ब्लड हो ब्लड गया है ना, इसके अंदर, इसके ईयर के अंदर है, और देखो इसके ये करते कान लोग बहुत ले आते हैं, केयर नहीं ज़्यादा करते, फिर मरने बदबू के आ लिए रही है, छोड़ बहुत दिया, भाग सड़ चुके हैं अंदर से। तो फिर डॉक्टर ने हमें मेडिसिन दिया है, इंजेक्शन भी लगाए, तो मेडिसिन फिर दिया है बॉडी में इसका फंगस लग गया इन्फेक्शन ना। ईयर पर सुखाने के लिए, क्योंकि बहुत है। 5 डेज बाद में वापस निकल गए।